दे दिया है। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बन गई है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में विभागों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनेंगे, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्रालय को लेकर पे भी लगभग जो समीकरण है वो तय होता नजर आ रहा है। झारखंड में विभागों का बंटवारा भी तय हो गया है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये भी करीब करीब तय माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, जहां ये खबर सामने आ रही है कि जेएमएम कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, जो कोटा है झारखंड सरकार का, उसमें मंत्रियों का कोटा 12 का है, और उसमें जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये लगभग जो हमारे सूत्र है, सूत्रों पर भरोसा करें, तो हेमंत सोरेन 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ लेंगे, और आज जो है महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आधिकारिक तौर पे एक जो है ऑफिशियली हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पहले वो जो है मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा भेजेंगे गवर्नर को, और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उसमें पहली प्रक्रिया ये होती है कि जो गठबंधन के जो विधायक हैं वो अपने गठबंधन दल का जो है नेता चुने। हेमंत सोरेन चूंकि विधानसभा चुनाव में प्रमुख चेहरे के रूप में सामने थे, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने थे, तो अब बस औपचारिकता बाकी है। आज विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा, और 26 नवंबर को ये खबर आ रही है कि वो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में कई जो है बड़े नेता शामिल होंगे उसमें। दिवाकर जी, ये जो मंत्रालय देने की बात कही जा रही है, क्या फिर से उन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा, या कोई नए मंत्री को इस बार अलग विभाग दिया जा सकता है? देखिए, इस बार जो है कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, कुछ पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, और जहां तक महकमे की बात है कि उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, वो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। पहले ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उसमें कांग्रेस और आरजेडी के कौन कौन से चेहरे उनके साथ जो है शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, क्या पूरा जो है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद हेमंत सोरेन के शपथ लेने के साथ ही उसकी तस्वीर आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल दिवाकर जी, और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कुछ मंत्रालय कौन से चेहरों को मिलता है, क्या फिर से वही चेहरे रिपीट होते हैं, या इस बार किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है। सभी नव निर्वाचित विधायकों की यह बैठक होगी, इंडी अलायंस के विधायक इसमें शामिल होंगे, और सरकार गठन पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर एक अहम बैठक होगी, जहां सभी नव निर्वाचित विधायकों की ये बैठक होगी, इंडी अलायंस के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, और आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे किस तरीके से विभागों का बंटवारा किया जाए। जी, हमारा 12 बजे के आसपास गठबंधन के विधायकों की मीटिंग है, और वहां पर जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। सरकार के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं, जो हमने काम करना है 5 साल, उस 5 साल की रणनीति क्या होगी, इस सारे विधायकों के साथ चर्चा होगी, और उसके बाद में संगठन को और कैसे मजबूत करें। जो सीटें हम हारे हैं, 4 सीटें हम हारे हैं और 4 नए जीते हैं, तो इसको कैसे भरपाई करेंगे आगे में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना 16 सीट जो जीता था पिछला, और वो 16 सीट इंटैक्ट रहा। निश्चित रूप से 4 सीट हमने महत्वपूर्ण 4 सीट हारा है, लेकिन 4 नए लोग भी आए हैं। सभी लोगों से एक दूसरे से परिचय, विचार विमर्श, आगे की रणनीति, सरकार बनाने की कवायद, हो सकता है इसमें एक औपचारिकता भी, नेता चुनने का जो एक औपचारिकता होता है वो, तो इन तमाम चीजें इस बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
और मैं समझता हूं एक दो बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, कब सरकार का गठन होना है, कब राजभवन हम जाएंगे, इन सभी चीजों पर भी निर्णय आज की बैठक में। और इस पूरी खबर पर गौरव जहां इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के आवास पर होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक जो है वो कांग्रेस ऑफिस में रखी है और इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस के अंदर हैं। कांग्रेस ऑफिस के अंदर एक बंद कमरे में फिलहाल कांग्रेस के प्रभारी और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो ऑब्जर्वर है उनकी बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद इसी हॉल में जो तमाम विधायक आप देखिए जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं वो यहां पहुंचने लग गए हैं और इनकी भी बैठक होने वाली है। पहले कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक करेगी और उस बैठक के तुरंत ही बाद का जो समय है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जो बैठक होनी है वो होनी है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। प्रदीप यादव हमारे साथ हैं, भैया पूरी रात यात्रा की होगी, जीत का जश्न भी होगा उसके बाद भी तय समय पर। देखिए, जब पार्टी का आदेश है और आवश्यक भी है कि वह जब लोग जीत के आए हैं तो आगे सरकार बनानी है तो फिर पार्टी तय करेगी कि आगे हमें क्या कदम उठाना है, तो हम सब उस निर्णय में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये तो चलते रहता है, जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए दिन रात 24 घंटे सब दिन काम करना पड़ेगा। बड़े हार से लंबे समय से विधायक हैं, इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्री का पद प्रदीप यादव को भी मिल सकता है। देखिए, ये निर्णय तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो पार्टी के हाथ में, आला नेताओं के हाथ में है। मेरे हाथ में इतना निर्णय है कि भाई हम पार्टी के एक सेवक हैं, पार्टी के एक सिपाही हैं, ईमानदारी पूर्वक पार्टी के निर्णयों के साथ रहेंगे। 5 साल जो जनता ने मौका दिया है उनका हृदय से आदर करते हुए उनकी सेवा करने का, जैसे पहले अपने क्षेत्र में कहते थे कि नेता नहीं बेटा है, उसी रूप में सेवा करेंगे। और जो मुखरता से प्रखरता से झारखंड की आवाज बुलंद करता रहा हूं उसमें कोई कमी नहीं होगा। गौरव, ये पूछिए कि कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है डिप्टी सीएम को लेकर के कि कांग्रेस क्योंकि 16 सीटें जीती हैं तो ऐसे में उनकी मांग है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से होने चाहिए, क्या ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या आज की बैठक में आप लोगों के पास ये चर्चा होगी? न, हमारे संज्ञान में कोई बात इस प्रकार की है नहीं। ये आला नेता के दिलो दिमाग में क्या चीजें चल रही है जब बैठक में सामने पेश करेंगे बातें तो फिर उस पर विचार। बिल्कुल, इसके साथ साथ गौरव, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अपने दर्शकों